हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब फैमिली मैजिकल एजुकेशन में। और दोस्तों, आज हम लोग वापस से मिल रहे हैं संस्कृत का विभक्ति पढ़ने को, क्योंकि विभक्ति हम लोग की चल रही थी और मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि इसको मैं 8 पार्ट में कंप्लीट करूंगा। वैसे तो मैंने कमिटमेंट कर रखा था कि मैं इसको 8 दिन में 8 पार्ट पढ़ा दूंगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया क्योंकि बीच में बहुत सारे एग्जाम्स और भी चल रहे हैं, जैसे सीटेट और यूबीटेट की जो आपके हैं वो बहुत जल्दी आने वाले हैं ये सारे एग्जाम्स, ठीक है। तो इसके लिए उनके भी पेपर्स और उनका और भी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़ाना पड़ रहा है, तो इस वजह से डेली तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ आपको ये 8 पार्ट जरूर मिलेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने परिभाषा और सारी चीजें पढ़ी, उसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट में प्रथमा, फिर थर्ड पार्ट आया हमारा द्वितीय, और आज जो चौथा पार्ट है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं तृतीय विभक्ति। एक एक करके सारी विभक्ति पढ़ेंगे और सातों विभक्ति यहाँ पे हमारी खत्म होगी। तो अभी तक अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स देखूं तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं चौथे पार्ट में, तो इसमें हम लोग तृतीय विभक्ति जो कि करण कारक में आता है और इसकी उपपद विभक्ति, ये जो दो चीज यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों बन जाइए हमारे साथ और शेयर भी किया कीजिए और भी लोगों को बताइए जो भी आपके साथ हैं क्लासमेट्स या दोस्त वगैरह, ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बहुत जरूरी सूचना उन बच्चों के लिए या आपके लिए भी, अगर आपकी नॉलेज में आपका कोई छोटा बड़ा भाई बहन या कोई फ्रेंड या कोई क्लासमेट ऐसा है जो कि आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा है, अगर वो जेईई का एग्जाम देने वाले हैं तो उनको अगर वो फिजिक्स पढ़ना चाहें तो वो मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। जी हाँ, आपको थोड़ा लग रहा होगा कि फिजिक्स ये तो एकदम अलग सब्जेक्ट हो गया, एक्चुअली दोस्तों मेरा मेन फील्ड फिजिक्स ही है, मेरा मेन सब्जेक्ट फिजिक्स है। सारी ग्रेजुएशन और उसके हायर लेवल की जो भी मैंने पढ़ाई की वो फिजिक्स में ही किया है एक्चुअली। तो ये आप मुझे अनअकैडमी पर इस पर पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैंने बहुत सारे कोर्स बहुत सारे लेसन बना रखा है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे नाम के थ्रू वहाँ पे मुझे ढूंढ सकते हैं और उन बच्चों को, उन स्टूडेंट को आप बता सकते हैं कि यार यहाँ से आप पढ़ लो, और मैं आपको गारंटी देता हूँ यहाँ पे आपको चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना बहुत काम की है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगने हैं। सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देख लो एक बार और उस पर क्लिक करके आप सारी चीजें देख सकते हो। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं आपको विभक्ति क्लियर कर देता हूँ। देखो तृतीय विभक्ति में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पे इसके कई रूल्स हैं। ओके, तो इन रूल्स में आपका जो फर्स्ट रूल आता है, पहला जो नियम आता है, ठीक, वो ये है कि जो क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक सहायक हो। देखो समझो, एक्चुअली जो क्रिया होती है ना, क्रिया को कर्ता कौन है, कर्ता करता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो क्रिया जो हो रही है वो क्रिया हो जाए, वो सिद्ध हो जाए, इसमें जो सबसे अधिक सहायक होगा उसको हम लोग कहते हैं करण कारक, ठीक है। तो जिसकी सहायता से कर्ता अपना काम पूरा कर ले, एकदम कोई भी ऐसी चीज जिसकी हेल्प लेकर कर्ता अपने काम को बहुत अच्छे से कर ले, वो काम, वो शब्द आपका करण कारक में आएगा, ठीक है। और जब भी करण कारक आता है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, करण कारक के लिए तृतीय विभक्ति यूज करते हैं। ओके, तो क्रिया की सिद्धि, अब ये क्रिया की सिद्धि कैसे होती है मैं आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, रामह बारेण रावणम अहनत, मतलब कि राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है। चलो अब पहले मुझे ये बताओ यहाँ पे कर्ता कौन है, कर्ता मतलब काम करने वाला, यहाँ पे मार कौन रहा है, राम मार रहे हैं। तो क्रिया क्या हो रही है, क्रिया हो रही है यहाँ पे मारना, मारना मारने की यहाँ पे काम हो रहा है, राम ने मारा, ठीक है। अच्छा, तो राम ने किसको मारा, रावण को मारा, ऑफकोर्स तो ये कर्म हो गया, ठीक है, ये कर्म चला गया। अब आता है कि जो राम अपना काम कर रहे हैं, राम क्या कर रहे हैं, मारने का काम, तो जो काम कर रहे हैं वो काम हो जाए, इस ये काम होने के लिए कौन सी सहायता कर रहा है, बाण, बाण अगर नहीं होता तो ये मारने का काम नहीं होता, बाण से वो मार रहे हैं ना, तो बाण जो है वो उनके मारने के काम में सहायता प्रदान कर रहा है, तो बाण यहाँ पे चला गया करण कारक में, इसी वजह से बाण का बन जाएगा तृतीय विभक्ति और हम लिखेंगे इसको बाणेण, ठीक है। तो ये बात आपको आई थिंक अब क्लियर हुई होगी कि यहाँ क्रिया की सिद्धि का क्या मतलब है, क्रिया हो जाए, क्रिया सिद्ध हो जाए, क्रिया का काम हो जाए, मतलब जो क्रिया हो रही है उसमें जो सबसे ज्यादा सहायता कर रहा है, मारने में कौन सहायता कर रहा है, बाण कर रहा है, अगर बाण नहीं होता तो किससे मारते, ये सेंटेंस नहीं हो पाता हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे बाण आपका क्या हो गया, तृतीय विभक्ति, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकेंड रूल पे आते हैं। सेकेंड रूल हमारा कहता है कर्तिकरणयोश्च तृतीय, मतलब कि जो कर्म और भाववाचक होते हैं ना, उसमें मैं दो है इसमें एक्चुअली, ये कर्त है करण है, इनमें दो आते हैं आपके, कर्त में आपका कर्ता आता है और करण में तो करण आता है, तो इन दो बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो यहाँ से हमारा काम हो जाएगा किसमें, किसमें, कर्ता में और करण में, लेकिन कर्ता में भी हर जगह नहीं है, आपको यहाँ ध्यान देना होगा
कि करण आपका जो कारक होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका मतलब कि यहाँ पे भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिसकी सहायता से होगा उस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। जिसकी सहायता से ये आपको कार्य की सिद्धि में जिसकी सबसे अधिक सहायता हो, करण कारक का ध्यान आपको बहुत बात रखना है, क्योंकि कभी कभी कर्ता में हम लोग प्रथमा विभक्ति भी लगाते हैं। अब क्यों लगाते हैं कर्ता में प्रथमा विभक्ति, वो मैंने आपको ऑलरेडी प्रथमा विभक्ति में पढ़ा रखा है, तो आपको ये बातें बहुत ध्यान रखनी होगी इन सब चीजों को, क्योंकि चीजें यहीं पे कंफ्यूज होती हैं कि आप कब तृतीया लगा रहे हो। सेम चीज आप तृतीया में भी कर सकते हो, सेम चीज प्रथमा में भी, लेकिन हर जगह अलग अलग नियम है। कुछ सेंटेंस में आप प्रथमा यूज कर रहे हो, कुछ में तृतीया, तो क्यों कर रहे हो, तो वो बातें हैं। यहाँ पे आपका कारक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहां पे कर्तिकारक था, यहाँ पे करण कारक है, फिर कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में था, तो इन सब चीजों को बहुत ध्यान रखना होगा। चलिए एक इसमें आपका सेकंड में फर्स्ट देखते हैं, कर्म जो वाच्य होता है, कर्मवाच्य के कर्ता में, ध्यान रखिएगा, कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखो, रामेण हतो बाली, राम के द्वारा बाली को मारा गया, तो किसके द्वारा मारा, यहाँ पे पहले बताओ क्रिया क्या है, मारना, ठीक है, मारना क्रिया है, और मारने का काम में सहायता कौन कर रहा है, राम कर रहे हैं, क्योंकि राम के द्वारा मारा गया, जैसे बाण से मारा गया वैसे राम से मारा गया, ऐसे आप बना लो, तो राम के द्वारा मारा गया, तो राम क्या हो गया, यहाँ पे कर्ता तो है, साथ ही साथ को सहायता भी कर रहा है, मतलब करण कारक में आ गया, इस वजह से ये तृतीय विभक्ति रामेण बना, जैसे यहाँ बारेण था वैसे यहाँ रामेण बना, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, मया पुस्तकम पठ्यते, मुझसे पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक को पढ़ना, पढ़ना यहाँ पे क्रिया है आपकी ना, और क्रिया जो है, क्रिया को होने में सहायता कौन कर रहा है, मुझसे, मैं खुद को सहायता कर रहा हूँ कि मैं अगर नहीं पढ़ूंगा तो ये पढ़ने का काम नहीं होगा, तो मैंने सहायता किया, तो मुझसे यहाँ पे एक तरीके से कर्ता भी है और आपकी विभक्ति इसमें तृतीया लगेगी, क्लियर है, ओके। ऐसे ही भाववाचक अगर लिया जाए, भाववाच्य है, तो इसके भी कर्ता में क्या हो जाता है, तृतीय विभक्ति, जैसे तीन गम्य थे, उससे जाया जाता है, रामेण सुप्यते, राम के द्वारा सोया जाता है, तो यहाँ भाववाचक है, भाव की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो क्रिया है आपकी, वो जिस जो क्रिया होने के लिए जो सबसे ज्यादा सहायता कर रहा है वो ध्यान दो आप, तो वो कर्ता बन जा रहा है। जाने का काम किसके द्वारा हो रहा है, उसके द्वारा, सोने का काम किसके द्वारा हो रहा है, राम के द्वारा, तो उससे राम ये है तो कर्ता, लेकिन तृतीय विभक्ति में चले जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये वही शब्द है, ये वही कर्ता है जिसकी वजह से क्रिया हो रही है, ठीक, क्रिया का सिद्धिकरण हो रहा है। तीसरा, करण कारक, कहीं पे भी करण कारक आए, ये तीसरा है, करण कारक कहीं पे भी आए, तो करण कारक में आपकी तृतीय विभक्ति होनी होनी है, ओके, ये आप फिक्स कर लो। जैसे आपका सहकलमेन निबंधम लिखति, वह कलम से निबंध लिखता है, चलो बताओ अपने से सोचो कि क्रिया कौन है, क्रिया क्या है, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है, तो लिखने का काम किससे हो रहा है भैया, ये बताओ, कलम से हो रहा है, तो कलम क्या हो गया, तृतीय विभक्ति में चला गया, कलमेन, ठीक। व्याधेन बाणेन पक्षी अहन्यत, शिकारी के द्वारा बाण से पक्षी को मारा गया, फिर से मारने का काम हुआ, पक्षी को मारा गया, लेकिन किसकी सहायता से, बाण से, तो यहाँ पे बाणेण आपका हो गया तृतीय विभक्ति। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, नहीं हो तो बस फटाक से वीडियो के नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में, तुरंत मुझे कमेंट कीजिए कि सर हमको नहीं समझ आया, सर ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट नहीं समझ आई, मैं आपको जितना जल्दी हो सकेगा रिप्लाई करके समझाने की कोशिश करूंगा, अगर नहीं कर पाया रिप्लाई तो अगले वाले पार्ट में आपको वो सारी चीजें रिपीट करा दूंगा, ओके। चल आगे बढ़ते हैं, अब इसमें उपपद विभक्ति में घुसते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से 8 या 10 पूरे रूल हैं, ठीक है, आप देख लो, बहुत है यार, आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि मैं इसीलिए अलग अलग पढ़ा रहा हूँ सारी विभक्ति, क्योंकि बहुत ज्यादा है, ओके, और एक एक तो आपको समझाना बहुत जरूरी है, अगर नहीं समझ आएगी तो कैसे कर पाओगे, और जितने नियम है सब याद रखना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड नियम है कि जिसकी शपथ ली जाए उसमें, और जो गत्यर्थक धातु होते हैं उनके वाहन शब्द में तृतीय विभक्ति आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल आती है आपके यहाँ पे, ऐसी सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सबका अपना अपना एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। देखो, जिसकी भी शपथ ली जाए, अहम ईश्वरेण सपामी, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, तो किसकी शपथ ले रहा हूँ, ईश्वर की, रामा पुत्रेण सप्ति, राम पुत्र की कसम खाता है, तो किसकी कसम खा रहा है, किसकी शपथ ले रहा है, पुत्र की, तो ईश्वर की शपथ ली जा रही है, पुत्र की शपथ ली जा रही है, तो ये सब चले गए तृतीय विभक्ति में, तो जिसकी भी शपथ ली जाएगी वो तृतीय विभक्ति में। दूसरा आता है गत्यर्थक धातु के लिए, छात्र द्विज क्रिया विद्यालय गच्छति, द्विज क्रिया मतलब साइकिल, ठीक है, तो जो छात्र हैं वो साइकिल से विद्यालय जाते हैं। अब यहाँ पे जाने का काम हो रहा है, जाने का काम किस वाहन से हो रहा है, कौन सा वाहन है, साइकिल, तो साइकिल आपकी चली जाएगी तृतीय विभक्ति में। ये देखो, वाहन शब्द में, वाहन अब आपका साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, ऑडी हो, कुछ भी हो, एरोप्लेन हो, ठीक है, कुछ भी हो, वो आपकी चली जाएगी
तृतीय विभक्ति में, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट रूल नंबर फोर। रूल नंबर फोर इज दी पृथक बिना नाना शब्दों के योग में जो होती है वो तृतीय विभक्ति होती है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी सेकेंड जो आपको पढ़ाया था द्वितीय विभक्ति मतलब थर्ड पार्ट, तो उसमें भी मैंने इसके बारे में बताया था। वहां पे भी इसको याद रखना और यहाँ पे भी याद रखो, लेकिन दोनों में फर्क भी समझ के रखना, ठीक है? यहाँ पे बार बार करण कारक की बात हो रही है, वहां पे कर्म कारक की बात हो रही थी। ओके, चलो देखते हैं। सीतारामेण बिना बिना लगाओ या नाना लगाओ, यहाँ पे की बात है। सीतारामेण बिना कथम जीवती स्म, मतलब जो सीता जी है वो राम के बिना कैसे जीवित रहेंगी, ये आपका है। तो यहाँ पे बिना शब्द आया, तो बिना शब्द जो है वो, अब देखो इसमें वापस से पूछो कि यहाँ पे क्रिया क्या है, जीवित रहना, ये क्रिया के लिए हो रहा है, तो किसके बिना ये काम नहीं हो सकता, राम के बिना। तो रामेण आपका हो गया तृतीय विभक्ति, ठीक है? तो जिस भी शब्द के साथ, ऐसे भी आप कह सकते हो, जिस भी शब्द के साथ इसका योग होगा, बिना नाना शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है, ठीक है? या फिर पृथक हो जाए, पृथक शब्द आएगा तो भी। देखो सह मात्रा पृथक न भवितुम अहर्ति, वह माता से अलग नहीं रह सकता, नहीं रहना किससे, माता से, तो ये आपका तृतीय विभक्ति। तो ऐसे ही आप सारी चीजें समझ सकते हो। चलो नेक्स्ट रूल पे आते हैं, रूल नंबर 5। ये है आपका कि सह सार्धम साकम समम, इन सब शब्द अगर ये शब्द आते हैं आपके सेंटेंस में तो इसके साथ इसके योग में अप्रधान जो होता है, अप्रधान में, इसको याद रखिएगा, इसमें तृतीय विभक्ति होती है, क्लियर है? देखो जैसे कि कृष्ण बलरामेण सह मथुराम अगच्छत, कृष्ण जो है वो बलराम जी के साथ मथुरा गए, तो इसमें देखो आपका है अर्जुन कृष्ण सार्थम कुरुक्षेत्रम अगच्छत, ठीक है? अर्जुन कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र गए, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो सह आया, यहाँ सार्थम आया, यहाँ साकम आया और यहाँ पे समम आया, आया ना? तो इन सबके साथ जिसका भी योग हो रहा है, जैसे देखो यहाँ बलरामेण किसके साथ, बलराम के साथ, यहाँ सार्थम किसके लिए है, कृष्ण के साथ, यहाँ साकम किसके लिए, पुत्र के साथ, यहाँ समम किसके लिए, शरीर के साथ, तो जिसके भी साथ में आ रहा है काम, उसमें आपका क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति, ठीक है? ये वर्ण का क्या मतलब क्या होता है, सह साधम साकम समम, चारों वर्ण का मतलब होता है के साथ, तो किसके साथ सेंटेंस में पूछो, तो देखो यहाँ पे बोल रहा है बलराम के साथ, यहाँ कृष्ण के साथ, पुत्र के साथ, शरीर के साथ, तो जिस भी शब्द के साथ ही आता है वो आपका चला जाता है तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6 की समानता या फिर सादृश्यवाची अगर शब्द हो, सादृश्यवाची मतलब जैसे सम, समान, सदृश, उसके जैसा दिखने वाला, इस टाइप के अगर शब्द आते हैं तो वहां पे उनके योग में तृतीय और षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे देखो सीता मात्रा मातु वा सादृश्य सादृशी आस्ती आसित, सीता माता के समान थी, या विद्या विद्याया वा सदृशम धनम नास्ती, विद्या के समान धन नहीं है। तो यहाँ पे देखो आपके सादृशी सदृशम ये सारे शब्द आ रहे हैं ना, तो इसमें आपका क्या करोगे, इनके साथ जो भी योग में आएंगे वो चले जाएंगे आपके तृतीय विभक्ति में, क्लियर है? तो जो भी आए, जैसे अब सादृश और सदृशम हो गया, सम का कहाँ है, सम का एग्जाम्पल ये एक आता समा है, समान है, मतलब ऐसे ही आता है, देखो ये समान सम, ठीक है? ये आपके ये सारे शब्द आपको देखने को मिल जाते हैं, इनका मतलब सबका मतलब एक ही होता है, समान, एक की तुलना करना, विद्या के समान सीता माता के समान थी, या कर्ण जो है अर्जुन के समान नहीं थे, इन सब चीजों में। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, अब इसमें है कि अर्जुनेन अर्जुनस्य जो है आपका ये वर्ड आ रहा है, मात्रा मातु, ठीक है? तो इसमें तृतीय विभक्ति और षष्ठी विभक्ति दोनों की बात कर रहा है। देखो मात्रा मातु विद्या विद्याया, ठीक है? और दूसरा कहा गया ये कर्ण, कर्ण छोड़ दो ये तो करता हो गया, तो अर्जुनेन अर्जुनस्य, फिर मात्रा मातु, इसमें तृतीय और षष्ठी विभक्ति लगती है, ठीक है? ओके नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 7। नेक्स्ट रूल है कि अगर प्रकृति जैसे स्वभाव की बात की जाए, प्रायः लगभग की बात की जाए, अप्रोक्सीमेशन की, गोत्र मतलब कुल जो होते हैं ना, गोत्र होते हैं ना सबके, उनकी बात की जाए, या सम विषम द्विद्रोण सुख दुख सहस्र, सहस्र मतलब हजार होता है संस्कृत में, सहस्र बोलते हैं, अपि किम कार्यम प्रयोजनम अर्थ हीन, ये सारे शब्द जब भी आएंगे तो इनके साथ क्या लगेगा, तृतीय विभक्ति लगेगा। तो याद कर डालिए, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल बहुत सारा दिया हुआ है, देखो राम प्रकृत्या साधु अस्थि, ठीक है? तो यहाँ पे ये शब्द आया, मैं फटाफट दिखाता जा रहा हूँ, इसमें तृतीय विभक्ति, स प्राणेण प्रायेण याज्ञिक अस्थि, प्रायेण तृतीय विभक्ति, गोत्रेण गर्ग अस्थि, गोत्रेण तृतीय विभक्ति में चला गया, समेन एति सम इसमें आया ना, तो ये तृतीय विभक्ति में, और विस्मेण धावती, विस्मेण तृतीय विभक्ति में, द्विद्रोणेण धान्यम क्रीणती, ये द्विद्रोणेण आपका चला जाएगा तृतीय में, रामा सुखेन
वसति, अब यहाँ पे सुख आया तो सुख चला गया तृतीय विभक्ति में, ऐसे ही दुख भी अलका दुखे गृहम गच्छति, अलका दुखे तो दुखे आपका चला गया तृतीय, क्योंकि ये सारे शब्द हैं, ये फिक्स है, ये आपको याद रखने हैं। और सहस्रेण धान्यम क्रीणति, तो इसमें सहस्र हजार ये शब्द आया तो ये आपका चला गया तृतीय विभक्ति में। धनी का नाम त्रिणेण अपि कार्यम भवति, तो इसमें कौन सा शब्द आ रहा है अपि, अपि के साथ कौन लगा है त्रिणेण, तो ये चला गया तृतीय। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ऐसा नहीं कि जो शब्द है वो एग्जैक्ट हो, उसके योग की भी बात होती है, ठीक है। अभी पीछे हम लोग नहीं पढ़ते, जिसके साथ लगाओ उसमें चला जाता है, ठीक है। तो आपका करण कारक कौन सा है इसको ध्यान रखना आप, ओके। कलहेन किम, तो किम किसके साथ, कलहेन इसमें तृतीय विभक्ति। अस्माकम त्रिणेण अपि कार्य भवति, अपि फिर आ गया, तो इसमें आपका आ जाता है त्रिणेण, ये चला जाएगा तृतीय विभक्ति में। मूर्खेण पुत्रेण कह अर्थ, तो अभी इसमें आपका अर्थ आया है, तो ये किसके साथ है, किसके लिए आया है, करण कारक यहाँ पे कौन है, किसके बिना क्रिया हो रही है, क्रिया का काम नहीं चल सकता पुत्र के बिना, तो पुत्रेण यहाँ पे तृतीय विभक्ति। धनेन हीना सह सोभते, हीना मतलब आपका कमी होना, हीन होना उससे, तो धनेन इसमें आपका चला जाएगा तृतीय विभक्ति। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही, ओके। चलो नेक्स्ट आपका आता है, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट रूल आपका यहाँ पे आता है कि अगर कोई अंग है, जैसे बॉडी पार्ट्स, आपके शरीर का कोई अंग है और उसमें कोई विकार है, कोई कमी है, तो उसमें आपका चला जाता है तृतीय विभक्ति, क्लियर है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, जैसे आपका एक एग्जांपल है सह नेत्राभ्याम अंधः अस्थि, यहाँ पे आपका क्या है, कौन सा शब्द है, नेत्र, नेत्र मतलब आंख। अब आंख में देखो यहाँ पे विकार क्या आ रहा है, अंधा होना, तो आंख में अगर विकार है तो ये जो नेत्राभ्याम है ये तृतीय विभक्ति होगा आपका, क्लियर है। अगर कोई भी सेंटेंस उसमें किसी भी शब्द के विकार की बात करे तो वो अंग जो है शरीर का वो चला जाएगा तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट आपका है सह नेत्रेण काणः अस्थि, इसमें भी देखो नेत्र की बात की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे तो भाई साहब पूरे अंधे थे, यहाँ पे काणः काने हैं, ठीक है, लेकिन है तो ना, वो विकार तो है उनके आंखों में, कमी है, तो यहाँ पे नेत्र जो है वो चला गया, यहाँ पे नेत्र आपका किस में चला गया, तृतीय विभक्ति में। क्यों, क्योंकि नेत्र में कमी है। ऐसे ही और भी देखिए, सह पादेन खज्जर पादाभ्याम वा पंगु, अब ये पैरों से पंगु हो रहे, तो पैर इनका चला गया तृतीय विभक्ति में। ऐसे ही कर्णाभ्याम च बधिर अस्थि, बधिर मतलब बहरा होना, तो यहाँ पे कौन, किससे आप बहरे हो गए, ऑफ कोर्स कान से, तो कान जो शब्द आता है कर्णाभ्याम, ये है आपका तृतीय विभक्ति। ऐसे ही सारा जो भी अगर आपका बॉडी पार्ट्स की बात करेगा, शरीर के अंग की, अगर उस शरीर के अंग में कोई विकार है तो उस शरीर के अंग को हम लोग तृतीय विभक्ति में लिखना होगा। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 9, जिस लक्षण के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान हो उस लक्षण वाली शब्दों के साथ हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे सह जटाभि तपोस्यति, अब इसमें आपका क्या है, ये इससे हो क्या रहा है, किसी वस्तु या किसी भी व्यक्ति का ज्ञान मिल रहा है। जैसे असौ पुस्तकेन छात्रा प्रतीयते, इससे हमें पुस्तक के बारे में ज्ञान मिल रहा है कि ये जो है छात्र की पुस्तक है, तो पुस्तकेन यहाँ पे तृतीय विभक्ति, पुस्तक की आपका तृतीय विभक्ति, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा है जिसमें आपका वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान प्राप्त हो, उससे पता चले कि हाँ ये वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, तो वो आपका वस्तु या व्यक्ति चला जाएगा तृतीय विभक्ति में। नेक्स्ट रूल है आपका कि हेतुवाची शब्दों, हेतुवाची शब्द और अलम जो होता है, अलम का मतलब बस करना, ठीक है, उसके साथ तृतीय विभक्ति होती है। जैसे सह अध्ययन विदेशम गच्छति, वह अध्ययन करने के लिए विदेश गया, या फिर परिश्रमे धनम भवति, जो परिश्रम से धन होता है, ठीक है, परिश्रम करने से। तो इन सब में क्या हो रहा है, इसमें सब में आपका हेतुवाची है, ये आपको हेतुवाची शब्द है, तो इसमें अध्ययन करने से या फिर परिश्रम करने से, ये आप ऐसा करोगे तब आपको आगे का रिजल्ट मिलेगा। दूसरी बात आप ऐसे समझ सकते हो, जो नियम है हमारा, कि यहाँ पे क्रिया कौन है, जाना, तो गच्छति यहाँ पे क्रिया है जाना। अब ये गच्छति जो है उसको सहायता कौन कर रहा है, अध्ययन, अध्ययन करने के लिए जा रहा है। यहाँ पे धन का होना वो परिश्रम से होगा, तो ये जो भी आपके आएंगे वो करण कारक में जाएंगे, जिस वजह से यहाँ पे आप तृतीय विभक्ति लगाओगे। नेक्स्ट आपका अगर सेंटेंस में अलम आ जाए, तो अलम के साथ जो भी आएगा अगर वो करण कारक है तो उसमें आप लगा दोगे तृतीय विभक्ति। जैसे कुलाहलेन, मिथ्या भाषणेन, ये सारी चीजें आपकी हो जाती हैं आपका तृतीय विभक्ति में, ठीक है। जैसे अलम मिथ्या भाषणेन, मतलब कि अब झूठ में भाषण देना बंद करो, झूठ में भाषण देने का काम रोक दो, तो यहाँ पे मेन क्या हो रहा है, झूठ में भाषण देना, ये करण कारक में है, तो ये चला जाएगा आपका तृतीय विभक्ति में। लास्ट रूल देख लेते हैं, कालवाची या मार्गवाची। कालवाची मतलब जो कि आपका समय के साथ हो, मार्गवाची मतलब जो कि मार्ग के साथ, ठीक है। तो इन सब में अगर इनके योग में अगर कार्य समाप्त हो जाए तो वहां पे तृतीय विभक्ति आता है। जैसे कालवाची में अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो कृष्ण मासेन अनुवाक अधिते, कृष्ण ने महीने भर में अनुवाक पढ़ लिया,
तो क्रिया क्या है? पढ़ना। अब पढ़ना है तो किसके किस में पढ़ लिया, मतलब आप सोचो यहाँ पे कि किसकी सहायता से काम हो रहा है, कर्ता किसकी सहायता से कर रहा है। तो महीने भर में अगर ये नहीं होता तो इसकी सहायता के बिना आपका क्रिया नहीं हो पाती इस सेंटेंस में। तो महीने भर में, तो देखो मासेन में तृतीय विभक्ति लगा हुआ है, ऐसे द्वार सभी वर्षे व्याकरणम श्रूयते, 12 वर्षों में व्याकरण सुना जाता है, तो सुनने का क्रिया है। अब सुनने का काम कब हो रहा है? 12 वर्षों में हो रहा है, मतलब इसकी सहायता के बिना सुनना पॉसिबल नहीं था इस सेंटेंस में। यहाँ ये मतलब है कि ये चला जाएगा करण कारक, मतलब ये आपका बन जाएगा तृतीय विभक्ति। ऐसे ही लास्ट आपका मार्गवाची आता है, सीता क्रोशेन अनुवाक अधिते, सीता ने कोष भर के अनुवाक पढ़ दिया, तो पढ़ने में काम कैसे किया आपका? सीता ने किया, और कैसे? कोष भर में। तो कोष आपका चला जाएगा तृतीय विभक्ति, मतलब बन जाएगा क्रोशेन। तो इसी तरीके से आप सारे रूल्स देख सकते हो, बहुत सारे नियम आपके कानून यहाँ पे बताए गए हैं, वो सब आप देखो और हर एक बात अपने दिमाग में घुसा लो, हर एक रूल आपको आना चाहिए, तभी आप सेंटेंस बना सकते हो, अदरवाइज आपके सेंटेंस नहीं बनेंगे। तो आज हमने चौथे पार्ट में कवर कर लिया है तृतीय विभक्ति, और ऐसे ही आपको और भी आगे विभक्ति मिलती रहेगी। तो फटाफट से हमें सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर लो, ताकि आपको आने वाले सारे जितने भी लेसन है उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे और आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाओ। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाना, फटाफट से अपनी डाउट लिखना, बिना संकोच किए अपनी डाउट लिखो और मुझे बताओ कि आपको किस लाइन पे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जितना जल्दी हो सकेगा मैं उसका आपको आंसर दूंगा। ओके, चलो तो इस लेसन में इतना ही, जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए लेसन के साथ। आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को हिट करो और लाइक बटन को तोड़े बिना मत जाना, और हम लोग जल्दी मिलेंगे ऐसे कुछ और भी नॉलेज वाले लेसन के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।